Today we are going to learn an interesting poem. It's a very beautiful poem written by William Shakespeare. A Quality of Mercy. A Quality of Mercy इस पोएम को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. ये पोएम का मेन सोर्स है एक प्ले जिसका नाम है अ मर्चेंट ऑफ वेनिस. अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे लिंक आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर जाके आप वो देख सकते हो. मर्चेंट ऑफ वेनिस इस पोएम का मेन सोर्स है. जब पोर्शिया अपने आप के भेष बदल के वकील बनकर जब कोर्ट रूम में बसियनियों को बचाने के लिए गई थी और वहां पर जाके उसने जो लाइन्स कही थी वही लाइंस को कहा जाता है अ क्वालिटी ऑफ मर्सी. इस पोएम को आखिर तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों. मर्सी इज मोर पावरफुल देन स्वे ऑफ द स्केप्टर और द ग्रेविटी ऑफ द क्राउन. मर्सी ये बहुत पावरफुल है, ये हर कसम से, हर बड़ी ग्रेविटी से भी बड़ी है. ये किसी इंसान को राजा बनाती है और राजा से भगवान. मर्सी यानी कि दया करने वाला इंसान वो वही हो सकता है जो भगवान का प्रतीक है. दोस्तों ये पोएम विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्लाइमेक्स का एक छोटा सा सीन है, जिसमें पोर्शिया खुद का भेष बदल कर और ख़ुद को लॉयर बनाकर जब वो कोर्ट रूम में पहुंचती है और एंटोनियो को शाइलॉक से बचाती है, तो वो जब दया की बातें करती हैं तो वो ये बातें हैं जो इस पोएम में बताई गई है. इस पोएम में कुल 14 लाइंस हैं. पोएम में 3 स्टांजास और एक कपलेट है. तो आइए देखते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे. इस पोएम का पहला स्टांजा है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. इसका मतलब होता है जो मर्सी है वो मर्सी यानी कि मतलब दया. दया स्वर्ग से गिरी हुई उन बूंदों की तरह होती है, उस बारिश की बूंदों की तरह होती है जो जिस इंसान पे दया की जाती है उस पे, और जो इंसान दया करता है इन दोनों पे ही, यानी कि गॉड तरफ से उस चीज़ को गॉड ने ही भेजा होता है. जो लोग दया की बात करते हैं, हमदर्दी की बात करते हैं, उनके लिए ये आसमान से आई हुई बारिश की बूंदों की तरह है जो दोनों को फ़ायदा पहुंचाती है. अगला स्टांजा है, द माइटिस्ट इन द माइटिस्ट इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन हिज कैप्टर शो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर द एट्रीब्यूट टू ऑफ एंड मैजेस्टी. पोएट कहते हैं कि जो मर्सी है ये इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो एक राजा को उसके ताज यानी कि राजत्व तक पहुंचाती है, और मतलब किसी एक इंसान को राजा बनाती है, और राजा अगर दया करता है तो भगवान बन जाता है. किसी भी राजा को अगर राजपाट चलाना है तो उसे दया करना सीखना चाहिए. प्रजा के ऊपर राजा दया दिखाए तो प्रजा उसके साथ उसकी ताकत की तरह चलती है. तीसरी स्टांजाज में, वेर इन डोथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्टर्ड स्वे इट इज एनथ्रोन इन द हार्ट ऑफ किंग्स इट इज एन एट्रीब्यूट्स टू गॉड हिमसेल्फ. फिर भी उसकी दया यानी कि राजा की दया उसके गुण की तरह, यानी कि क्वालिटी ऑफ मर्सी, क्वालिटी यानी कि गुण, दया यानी कि मर्सी, इस दोनों चीज़ को पोएट बार बार अपनी पोएम में बता रहा है. किसी राजा में दया होना ये सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि ये गॉड का गुण है, ये गॉड की क्वालिटी है. जैसे हम चाहे जितने पाप कर ले, चाहे जितनी खताएं कर ले, गॉड हमें मर्सी दे देगा.
ये सोच हमारी होती है। अगर राजा दयालु है तो वो राजा नहीं भगवान की तरह पूजा जाएगा। लास्ट में जो कपलेट है वो इस तरह है, एंड अर्थली पावर डोथ देन स्लो लाइकेस्ट गॉड्स वेन मर्सी सीजन जस्टिस। अगर राजा मर्सी करता है, दया करता है, तो उसकी जो ताकत है वो गॉड की तरह बढ़ जाएगी, लोग उसे गॉड की तरह पूजेंगे और सभी उससे प्यार करेंगे, चाहे दुश्मन हो या उसकी प्रजा, सभी उसको एक भगवान की तरह मानेंगे और उसे पहले से ज़्यादा प्यार करेंगे अगर वो दया करने लग जाए तो। ये कुछ लाइन थी जिसे कह के पोर्शिया ने अपने होने वाले पति बसेनियो के दोस्त को बचाया था, अंटोनियो को। और इसी के साथ इस पोएम को हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।